चलिए जी, आज नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है, कोऑर्डिनेटर चैप्टर नंबर 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज आर रेक्टेंगल। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल बराबर हो जाए तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। पहली बात, जो फिगर प्रूफ करनी होगी फिगर वही बनाएंगे, ठीक है, मन में वही रखना है आपको, गिवन क्या है। तो हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो रेक्टेंगल ही बनाएंगे। इस लास्ट क्लास में आपको बोला था कि इसकी नेमिंग बहुत ढंग से करनी, ए बी यहाँ लिख दिया, सी ऐसा ना हो कि यहाँ लिख दिया, डी यहाँ लिखे, या ए बी यहाँ लिखा, सी यहाँ लिखा, डी यहाँ लिखा, गलत हो जाएगा। सीक्वेंस पे चलेंगे आप, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि बराबर है, इसके बराबर है, तो गिवन है आपको कि ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम, इट इज गिवन है टू शो टू प्रूव A, B, C, D, in which so what are given? In which A, C, diagonal A, C equal to diagonal B, D, ठीक है? Proof ये करना है कि A, B, C, D अब parallelogram की जगह रेक्टेंगल रेक्टेंगल। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज लिखाई थी, ठीक है, सिमिलैरिटी भी लिखाई थी और इसका डिफरेंस भी लिखाया था। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, मेजर दो डिफरेंस है मेजर। नंबर एक, पैरेललोग्राम के अंदर एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, पैरेललोग्राम के डायगोनल छोटे बड़े होते हैं और रेक्टेंगल के डायगोनल्स बराबर होते हैं। तो दो डिफरेंस है हमेशा, या कोई सी भी फिगर के बीच में अगर डिफरेंस है दो फिगर के बीच में, तो उन्हीं डिफरेंस से ही हम प्रूफ करते हैं अगर, ठीक है। दो डिफरेंस में से एक तो डिफरेंस क्लियर कर दिए उन्होंने, पैरेललोग्राम के छोटे बड़े होते हैं इसके बराबर होते हैं, तो पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल पे आने के लिए डिफरेंस जो है वो दूर हो जाए, खत्म हो जाए। तो एक डिफरेंस को तो खुद खत्म कर दिया, रेक्टेंगल बराबर हो गया, अब क्या बचा, 90 डिग्री सारे एंगल, ठीक है, या एक एंगल 90 डिग्री का। अब हमें एक एंगल मिनिमम एक एंगल कॉर्नर पर किसी वर्टेक्स पर बनते हुए दिखाना है, ठीक है। तो जो चीज गिवन है हमें गिवन है डायगोनल, तो उसके हिसाब से ही हमें ट्रायंगल ही सिलेक्ट करने हैं, याद रखिएगा। एक ट्रायंगल आपको ये बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, क्या नाम है इसका, एबीसी। दूसरा डायगोनल हमें डायगोनल के हिसाब से बीसीडी नजर आ रहा है ना। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, पहले ट्रायंगलों के नाम लिखेंगे। हमें ऐसे दो ट्रायंगल लेने हैं जिसमें दोनों डायगोनल्स आ रहे हो, याद रखिएगा, क्योंकि डायगोनल्स दे रखे हैं तो डायगोनल ही के हिसाब से हम ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे। ए बी सी, जिसमें ए सी आ गया, एंड ट्रायंगल ए बी सी, एंड ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल बी सी डी, इसमें बी डी आ गया, ठीक है। अब दो ट्राइंगलों के अंदर कॉन्ग्रुएंसी दिखाई, क्या क्या दिखा सकते हैं, नंबर एक कि भाई ए बी इक्वल है सी डी के, क्योंकि अभी तक ये पैरेललोग्राम है, याद रखना, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, काफी है, आर इक्वल लिखने की जरूरत नहीं, इतना सफिशियंट है। AC equals to BD. AC equals to BD. क्यों भाई? Given.
ओके गिवन है बीसी नाम के हिसाब से तो हमने दो ट्राइंगल लिया तो बीसी इसमें भी यहाँ पर भी उससे पता चल गया ठीक है तो बीसी इक्वल टू बीसी रीजन कॉमन देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी बाय क्राइटेरिया. अब मैं दिखा सकता हूं कि एंगल ए बी सी इज या राइट एंगल इक्वल है और डी सी बी के बाय सी बी सी डी से ठीक है. अभी तक ये पहला प्रोग्राम ही है रेक्टेंगल नहीं हुआ ठीक है. हमें ये तो मालूम है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है. अगर ये ऊपर वाली साइड आ रही है तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है नहीं कर रही या ये ट्रांसवर्सल का भी काम कर रही है और ये पैरेलल भी है तो ये यूसुफ साहब ये कौन से एंगल चलाएंगे यानी इन दोनों एंगलों को प्लस भी करके दिखा दीजिए ए बी सी प्लस डी सी बी इक्वल टू 180 डिग्री रीजन इज बिहाइंड ठीक है जी. अब ए बी सी की जगह डी सी बी लिख सकते हैं और डी सी बी की जगह ए बी सी क्यों क्योंकि दोनों बराबर दिखा चुके हैं. एंगल ए बी सी प्लस इसको हटा के बैठ कर तो नाम बदल देता हूँ ए बी सी ही लिख देता हूँ क्योंकि बराबर है 180 डिग्री कितना होगा ये 2 एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगर आपके एक भी एंगल अगर 90 डिग्री का बन जाए तो रेक्टेंगल बन जाता है. दूसरा उसके डायगोनल भी बराबर हो जाते हैं जब ये 90 क्योंकि फिगर ये थी 90 डिग्री दिखाई नहीं आपने उसको 90 डिग्री पर लाने के लिए सीधा कर दिया डायगोनल जो छोटे बड़े थे वो तो बहुत बराबर हो गए ठीक है. ये बात याद रखनी है डिफरेंस से ही प्रूफ किया जाएगा. एक फिगर को दूसरी फिगर में लाने के लिए डिफरेंस खत्म करना पड़ता है. चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं. इकट्ठो तारीख क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फिगर कौन सी है क्वाड्रिलेटरल डायगोनल किसी क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक करते हैं 90 डिग्री पे करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस तो वो रोम्बस होगा ठीक है. हम फिगर कौन सी बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल रोम्बस जो प्रूफ करते थे वही बनाते हैं अभी बोला था मैंने. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन तो क्या है क्वाड्रिलेटरल और प्रूफ करना है रोम्बस तो रोम्बस ही बनाएंगे. ये रोम्बस बना दिया लीजिए ठीक है जी. ए बी सी डी ये आ गया डायगोनल ये दोनों सारा डायगोनल ठीक है. हमें गिवन क्या है नो फिगर से स्टार्ट करते हैं हमेशा ठीक है. ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल बाइसेक्ट each other right angle which means यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना होगा यहाँ पर 90 डिग्री का बनना होगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी
ठीक है। अब दूसरी बात, क्वाड्रिलेटरल से आना है आपको रोमबस का। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया, हर फिगर को, हर क्वाड्रिलेटरल को कोई सी भी फिगर में लेके जाना है तो पहले हमें क्या दिखाना होगा, यानी पहला काम इन दोनों को, इस फिगर को पैरेललोग्राम दिखाना। फिर पैरेललोग्राम से रोम्बस में जाने के लिए उन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको दूर करना है। देखिए यूसुफ साहब, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, टू शो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। रोमबस की प्रॉपर्टी, जैसे रोमबस का वर्ड आए सारी प्रॉपर्टीज और अन क्लिक करनी चाहिए आपके माइंड में, ठीक है। क्या क्या होता है, चारों साइडें बराबर होती है, डायगोनल छोटे बड़े होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं, अपोजिट डायगोनल्स बराबर होते हैं, ये फौरन सारी प्रॉपर्टीज क्लिक करनी चाहिए। अभी हमारा काम क्या है, चारों साइडों को बराबर करना। क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या दिखाई थी मैंने आपको, और सबसे आखिर में एक वर्ड बोला था मैंने, अनशेप्ड फिगर। अनशेप्ड फिगर तभी होगी जब उसकी साइडें बराबर नहीं होगी, है ना। तो अनशेप्ड फिगर को शेप में लेकर आना है आपको। शेप में क्या होगा, चारों साइडें बराबर दिखा दी, उसके लिए प्रोसेस क्या होगा, पहला काम अपोजिट साइड से शुरुआत करेंगे कि भाई या तो इन दोनों को इक्वल दिखाओ या इन दोनों को इक्वल दिखाओ, ठीक है जी। तो इसके हिसाब से मैं ले लेता हूं ये दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल सी डी ओ, सी डी ओ बोलो बोलो बताइए क्या क्या दिखा सकते हैं। गिवन क्या है उसके साथ में चलना, डायगोनल बाइसेक्ट इच अदर, इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर होंगे, ये और ये दोनों बराबर होंगे, है ना, दे रखा है ना बाइसेक्ट, और यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको आप वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोल सकते हैं और गिवन के लिए 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ए ओ इसके बराबर होना चाहिए दूसरा ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, ठीक है, ये चीज गिवन है आपको। कौन सा एंगल है, ए ओ बी इसके बराबर है सी ओ डी के, तो आप इसकी जगह गिवन भी लिख सकते हो या एच 90 डिग्री भी लिख सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट बीओ, बीओ के बराबर है ये, क्यों, ये भी गिवन है भाई, सब कुछ तो गिवन है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे कर रहा है, डायगोनल दो होते हैं, ठीक है, दो पेयर से दो चीजें बन गई, दो साइडें मिल गई आपको, बचा एक एंगल बीच में वो 90 डिग्री का आ गया, यानी सब कुछ गिवन ही है एक तरह से देखा जाए तो। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ओ बाय एस ए एस क्राइटेरिया से, ठीक है, सिंस अब आप दिखा सकते हो कि ए बी, ए बी सी डी के बराबर है बाय सी पी सी डी, ठीक है, दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। और अगर मैं एंगल ट्राइंगल ए डी ओ लेता और बी सी ओ लेता तो कौन सी दो साइडें इक्वल दिखाता, कौन सी दो साइडें, हाँ जी, कौन सी दो साइडें इक्वल दिखाता, बी सी और ए डी, बस अभी मैंने क्या इक्वल दिखाया है, ये इसके इक्वल दिखाया है, और अगर मैं ये दो ट्राइंगल लेकर चलता तो ये और ये दिखाता,
इतना सारा प्रोसेस मुझे अगर मैं ये लेकर चलूं तो इतना सारा प्रोसेस तो मुझे दोबारा से करना पड़ेगा ना। उस प्रोसेस से बचने के लिए एक वर्ड लिखिए सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली बीसी इक्वल टू ए। इतने सारे प्रोसेस यानी एक दो तीन चार पांच, पांच लाइन का लिखता है एक वर्ड की वजह से। अब अपोजिट साइड इक्वल नजर आ रही है आपको या नहीं नजर आ रही है? जो अनशेप भी कर दी वो आहिस्ता आहिस्ता शेप में आने शुरू हो गई, अपोजिट साइड बराबर हो गई। इसकी साइड अपोजिट इक्वल होती है, उसका मतलब क्या हुआ अभी ये पैनोरमा बन गया। देयरफॉर नाउ ए बी सी डी इज अ पैनोरोग्राम। चलिए एक काम निबट गया, शेप में आ गई, अपोजिट साइड इक्वल हो गई, पैनोरमा बन गया। अब पैनोरोग्राम से रोमबस पर आना है, अब बताइए उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? सारी है ना, तो सारी साइड कैसे तो अभी मैंने जो ट्राइंगल लिए हैं वो अपोजिट ट्राइंगल लिए हैं, ध्यान से देखिए आप फिगर से, ये वाला और ये वाला लिया है या ये क्या ये लिया है। अब मैं एडजेसेंट ट्राइंगल हूँ पड़ोसी, क्योंकि अब मैंने ये साइड तो दिखा दी बराबर बराबर, अब पड़ोसी साइड दिखा दी, मतलब जो पड़ोसी साइड है वाली ये इसके अपोजिट है, पड़ोसी साइड इसकी या तो ये या ये है ना, तो या तो मैं ये दो ट्राई कर लूं ये दो ट्राई कर लूं, कौन सी देना है बताइए। इन ट्राइंगल अगेन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल बी सी ओ, कोई सी भी दो ट्राइंगल ले लो भाई, आपकी मर्जी है, दोनों ये दोनों ले लो, ये मर्जी ये दोनों ले लो, एडजस्टेंट ले लो। एडजस्टेंट का वर्ड का मतलब जिनका वर्टेक्स या एक साइड सेम होगी, कॉमन होगी, राइट। अब मैंने दो ट्राइंगल लिए, अब इन दोनों ट्राइंगल का कॉन्वर्जेंसी दिखाई है, ठीक है। नंबर एक ए बी ए ओ, सॉरी ए ओ, इस वाले ट्राइंगल की ये साइड, इस वाले साइड के साइड के बराबर है ये सी ओ गिवन है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर ही बनना है क्योंकि गिवन है एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल बी ओ सी के, ये भी गिवन है आपको, ठीक है। इसी तरह से BO इक्वल टू BO, ये कॉमन आ गई, राइट, कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCO बाय SAS सिंस। अब आप क्या दिखा सकते हो कि ए बी बी सी के इक्वल है, ठीक है। अब आपने एक स्टेटमेंट लिखना है इसके बाद, व्हेन एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस, ठीक है। जब एडजेसेंट साइड जैसे ये साइड, इस साइड के बराबर, बोर्ड की साइड के बराबर ये भी है, अब ये छोटी बड़ी नजर आ गई आपको देखने ध्यान से, अगर ये इसके बराबर हो गई तो ये बताइए ये किसके बराबर थी पहले, उसके तो वो भी इसके बराबर हो गई होगी, जब ये इसके बराबर थी तो ऑटोमेटिक इसके बराबर हो गई होगी, सारी साइडें बराबर हो जाएगी तो क्या बनेगा वो, तो इसके बाद क्या लिखेंगे आप, व्हेन एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज गिवन है और क्या चीज प्रूव करनी है ध्यान से देखिएगा। शो दैट, क्या शो करना है, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल,
एंड बाइसेक्ट ईच अदर राइट ट्रायंगल। शो करिए डायगोनल बराबर है और 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं स्क्वायर के, ठीक है, शो करना है। जब तो मालूम है क्या होगा। अब आपको क्या चीज के बने दो बातें आ गई दिमाग में, क्या All sides are equal. All angles are 90 degree. ठीक है? Diagonal बना लेते हैं। तो पहला काम हमें ये करना है कि diagonal को equal दिखाना है। ठीक है? तो इसके हिसाब से कौन सा diagonal triangle लूँ? हाँ जी। तो हमें पहला काम डायगोनल को इक्वल दिखाना, उसके हिसाब से हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे जिसमें दोनों डायगोनल आ रहे हो। ठीक है, हालांकि बहुत सारे ट्राइंगल बनना है, अगर मैं इधर वाले ट्राइंगल को देखूं और इधर वाले ट्राइंगल को देखूं तो इसका तो एक ही डायगोनल आ रहा है। ए बी डी को देखो, बी सी डी को देखो, एक ही डायगोनल का क्या करना है, हमें तो दोनों डायगोनल को इक्वल दिखाना है। तो क्या चीज गिवन है, सबसे पहले गिवन क्या गिवन है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है जी, अब जब स्क्वायर का वर्ड आ गया तो ये अंडरस्टूड है ऑल साइड आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है जी, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करने के लिए बोला है या क्या शो करने के लिए बोला है, तीन चीजें प्रूफ करने के लिए बोली है। नंबर एक, AC इक्वल टू BD, ठीक है। नंबर टू, AO इक्वल टू CO कॉमा, ठीक है, BO इक्वल टू AO, दो गए। तीसरा एंगल AOB इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू सी ओ डी इक्वल टू ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सिर्फ वर्डिंग के अंदर इतना छोटा सा है लेकिन जब इसको एक्सप्रेस कर रहा तो काफी बड़ा नजर आ रहा है ना। तो अब शुरुआत करते हैं डायगोनल के हिसाब से। तो डायगोनल के हिसाब से मैं कौन सा दो ट्रायंगल लूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू सी डी होगा कि नहीं होगा, ले सकते हैं नहीं ले सकते, ले सकते हैं होगा भी, साइड ऑफ स्क्वायर ठीक है जी। यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना है या नहीं बना, इसी तरह से यहां पर भी बना है। नाम क्या है इसका, ए बी सी, और दूसरे का बी सी डी या डी सी बी, एज 90 डिग्री, इस वर्ड के पीछे अब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन राइट, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉम्पोनेंट हो गया इसके साथ बी सी डी, इसके जरिए एस ए एस क्राइटेरिया से हम दिखा सकते हैं कि
एसी इक्वल है बीडी के बाय सीपी सीबी, पहला काम डायगोनल बराबर होगा। ठीक है, अब मुझे इन डायगोनल के चार पार्ट भी दिखाने, दो नकलियां की बराबर बराबर बीचों बीच दोनों को काट दिया, उनको भी इक्वल दिखा। ठीक है, तो उसके हिसाब से कौन सा ट्रायंगल लूंगा? इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, चलिए दिखाइए क्या दिखा सकते हैं। तो क्या क्या कौन कौन सा एलिमेंट ले हम नाम बताइए, AD इक्वल टू BC दिखा सकते हैं। चलिए एक हो गया, और इन दोनों का एंगल ओ इक्वल टू एंगल वर्टिकली अपोजिट, एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ नहीं AOD इक्वल टू एंगल BOC क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। दो होगा, तीसरा यहाँ जो एंगल बन रहा है यहाँ पर इसके बराबर होगा। ठीक है, दे सकते हैं ना, देखिए एक मैं ले रहा हूं ये, एक एंगल ले रहा हूं यहां पर और ये साइड ले रहा हूं, तो कांग्रेसी के रूल के अगेंस्ट आ रहा है। कौन सा रूल अप्लाई करोगे, कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे? बोला एक एंगल इधर, एक एंगल इधर, साइड इधर, क्राइटेरिया क्या कहते हैं? क्राइटेरिया क्या कहते हैं? तो तीनों साइड दिखाओ। ठीक है, एस एस दिखाओ, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, वो कर दें सर, क्राइटेरिया वो भी हो सकता। और अगर मैं 11 एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा दूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, इस तरह से 11 एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा दूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से और ये साइड भी लूं, तो इस साइड पर दोनों एंगल आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? यस सर, है ना, यस सर, वो भी दिखा सकते हैं। कौन सा दिखा रहा था ये एंगल साइड, ये दिखा, नाम बताइए इसका क्या है? ए डी ओ, इसके इक्वल है सी बी ओ के, सी बी ओ के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और क्या लिखो? ए बी इक्वल टू, मुझे ये जो मैंने साइड ले ही थी, ये जो मैं ले रहा हूँ यहाँ का भी एंगल दिखाना है, यहाँ का भी एंगल दिखाना है। ठीक है, फिर मैच करेगी क्राइटेरिया, एडी किसके इक्वल है? बी सी, साइड्स ऑफ स्क्वायर। चलिए और बताइए, एंगल ए ओ डी, एंगल
क्या लाएगा D A O equal to इसके B C O by alternate area angle. ठीक है, therefore triangle A O D is congruent to triangle BOC by ASA, है ना? Since अब इस वाले ट्राइंगल की याली साइड की साइड के को दिखा देता हूँ, अब इस वाले ट्राइंगल की याली साइड की साइड के बराबर दिखा देता हूँ, ठीक है? तो AO इक्वल हो गया CO के by CPCT से, ये आने के बाद ये दिखा सकते हैं, और DO किसके बराबर हो गया BO के बाय CPC. ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व. अब काम क्या रहेगा, 90 डिग्री दिखा, ठीक है? 90 डिग्री कैसे दिखाओगे आप, जब दो एडजेसेंट ट्राइंगल लेंगे आप, क्योंकि एक लीनियर पेयर दिखाएंगे आप, लीनियर पेयर के आपको डायगनल पे दिखाते हैं हमेशा, तो लीनियर पेयर की हेल्प लेते हैं, साइड के एंगल्स को दिखाना होता है तो कोइंटीरियर की हेल्प लेते हैं, ठीक है? अब बताइए दो ट्राइंगल कौन से होगा इन ट्राइंगल, थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहा है, ये सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा है, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा है. इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल बी सी ओ, ठीक है? दो ट्राइंगल ले लिया, अब इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी बताइए. ये इस साइड के बराबर है, स्क्वायर है, बी ए ओ CO के बराबर है, क्यों? ट्रू बाबा, BO BO कॉमन, ठीक है? AB इक्वल है BC के, क्यों भाई? क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. AO इक्वल टू CO proved above, ठीक है जी? BO equal to BO common, therefore triangle ABO is congruent to triangle BCO by SSS. Since जो एंगल बन रहे हैं डायगोनल पे वो कौन कौन से है, ए ओ बी बी ओ सी दोनों बराबर हो गए, ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी बाय सी पी सी डी. पहला काम हमने इन दोनों को इक्वल दिखाया है, दूसरा काम इन दोनों को प्लस करके दिखाएंगे. ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, ठीक है? दूसरा काम हम इनको चेंज कर सकते हैं, बी ओ सी को ए ओ बी में लिख सकते हैं, ए ओ बी को बी ओ सी में लिख सकते हैं, 180 डिग्री कितना होगा, ये टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू गया डिवाइड में, तो एंगल ए ओ बी चाहे इसको दिखाओ चाहे इसको दिखाओ चाहे इसको दिखाओ चाहे इसको दिखाओ किसी एक को भी प्लान दिखा सकते हैं, सब बराबर है, तीसरा पार्ट भी प्रूफ हो गया, ठीक है? आई होप क्लियर. यस.
चले जी बंद करके दोबारा चलाओ। नहीं करना।